ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहें ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने फ्यूचर को लेके बना सकें। सो प्रेजेंटली जिस तरह से कनाडा में इतनी सारी रिफ्यूजल देखी गई है, तो ये जो रिफ्यूज बच्चे हैं, अब इनके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं इनको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप कनाडा से रिफ्यूज हैं दो बार या तीन बार या फर्स्ट टाइम, और आप निराश होकर कोई ऐसा स्टेप ले लें जो आपके लिए ज्यादा बढ़िया ना हो, मतलब उसके अगेंस्ट आपके पास अभी भी बेहतर ऑप्शंस बची हो। तो ये चीजें आपको जरूर समझ आनी चाहिए। अगर आप कनाडा से रिफ्यूज्ड हैं और आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं और आपका आयल्स है या पीटी का अच्छा स्कोर है, तो योर फर्स्ट थिंग इज टू रीअप्लाई। चाहे अपना कोर्स करेक्ट करना पड़ता है, नहीं समझ आ रहा है तो अपने केप्स मंगवा लें, सेकंड कंसल्टेंट थर्ड कंसल्टेंट की एडवाइस ले लें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रियल कोर प्रॉब्लम मेरे केस में है क्या, एंड कोशिश रीअप्लाई का, क्योंकि सक्सेस रेट मिलेगा अगर सही से केस प्रेजेंट होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको पता है कि आपके जो एकेडमिक्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक हैं या उनमें गैप्स हैं या उनमें ज्यादा बैकलॉग्स हैं या वो डिग्री एक्सटेंडेड है या प्लस टू के मार्क्स कम है, मतलब जहां पर आपको साफ दिख रहा है कि मेरा प्रोफाइल ही कम है, देन यू हैव टू टेक अ सेकंड स्टेप। आपको अपनी दूसरी ऑप्शन की तरफ टाइम से बढ़ जाना चाहिए ताकि वहां पर आप बेस्ट ऑप्शन ग्रैब कर सकें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में फिट हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, यूके में फिट हो सकते हैं तो और भी अच्छा, बिकॉज यूके में आप सेटलमेंट भी ले सकते हैं और मास्टर्स एक साल की रहेगी तो ज्यादा लंबा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएट बच्चे जो प्लस टू वाले हैं वो सीधा ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, और अभी अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर यूके बिकॉज आपके पास सब कुछ रेडी भी है, तो उसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज, कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज मिलेंगी बिकॉज आपके पास आई एल एस पी टी के स्कोर हैं, अच्छे परसेंटेज हैं ओवरऑल, तो आपको कोई भी यूके यूनिवर्सिटी या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट मना नहीं करने वाला है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट। प्लस टू वालों को ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए 60 ईच सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं, यूके में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर ओवरऑल 60 चाहिए होते हैं, सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर एकेडमिक। ग्रेजुएट वालों को यूके सबसे ज्यादा रिलैक्सफुल रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में दो साल पढ़ना है, यहां एक साल पढ़ना है, स्पाउस के साथ जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, ये सारे बेनिफिट है। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल सही है तो आपकी पहली कोशिश कनाडा ही होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको सुख वहाँ पे है, जितनी फास्ट रेजिडेंसी वहाँ पे है, वो डेफिनेटली चाहे मैं किसी भी कंट्री के कितने भी गुनगाऊँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आपका प्रोफाइल जहाँ के लिए बेस्ट फिट है ब्रॉडवे उसी पॉलिसी के ऊपर काम करती है। आज भी हमारा जो वीज़ा आया वो कनाडा की तीन रिफ्यूज़ल के बाद आया है, तो अगर बच्चे का प्रोफाइल सही है तो रिफ्यूज़ल आपको कनाडा जाने से नहीं रोक सकती। आप रीअप्लाई कर सकते हैं, आप टीम से आके मिल सकते हैं, ब्रॉडवे के ऑफिसेज नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे हैं, जम्मू में मिले, पंजाब में 8 से 9 जगह पे ऑफिस हैं, हरियाणा में ऑफिस हैं, दिल्ली में ऑफिस हैं, अहमदाबाद में ऑफिस हैं। सो निश्चिंत रहें, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो कनाडा आप ज़रूर जा सकते हैं, अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में कमी है दोस्तों, देन टाइम से सेकंड ऑप्शन ले लें, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आप सबसे बढ़िया ऑप्शंस, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कम फीसिस, ये सारी चीज़ें आप टाइमली ग्रैब कर सकते हैं। इस चैनल के जरिए आगे भी इन्फॉर्म्ड और नॉलेज करने की कोशिश मेरी लगातार रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।